इस रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सेम और आलू की मसालेदार सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये सब्जी मैं सरसों के मसाले में बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सेम आलू की सब्जी के लिए मैंने लिया 1 पाव सेम। इस तरह से इसको पहले धो लेंगे और काट लेंगे। और कुछ सेम मैं रख दी हूँ, इसे काट कर दिखा दूंगी। 5 पीस आलू का यूज़ किए हैं, इसके छिलके निकाल कर धो लेंगे। और हरी धनिया की पत्ती, इसको भी धोकर बाद में हम काट लेंगे, सब्जी में डालेंगे इसको। अब हम सेम को दोनों तरफ से कट लगा लेंगे और इसके रेशे निकालेंगे। पहले हम सेम के दोनों तरफ कट लगाएंगे और रेशे निकालेंगे, उसके बाद सेम को हम काट लेंगे। रेशे निकालने ज़रूरी है, अगर हम रेशे नहीं निकालेंगे तो सब्जी पकने के बाद ये मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें रेशे निकालने ज़रूरी है। इस तरह से सारे सेम को हम रेशे निकाल कर काट लेंगे और आलू को भी हम काट लेंगे। आलू और सेम को हम अपने पसंद के अनुसार काट लेंगे। और इसमें यूज होने वाले मसाले इस प्रकार हैं। हल्दी पाउडर इसमें आधा चम्मच यूज़ किए हैं, और आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है, तीखी वाली है, और 1/4 छोटा चम्मच हींग का यूज़ किए हैं। 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर का यूज़ किए हैं। आधा चम्मच इसमें 5 फ़ोरन है, और 1 साबुत लाल मिर्च है, इसको फ़ोरन में डालेंगे हम। और आधा चम्मच जीरा पाउडर है, और काली मिर्च पाउडर इसमें आधा छोटा चम्मच है। लहसुन का पेस्ट इसमें 1 चम्मच यूज़ किए हैं, और सरसों का पेस्ट इसमें हम 1.5 चम्मच यूज़ किए हैं। पीली वाली सरसों का पेस्ट हम पहले बना लिए हैं, उसमें से हम 1.5 चम्मच यूज़ किए हैं। और मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसको भी हम पेस्ट बना लेंगे। और 1 छोटा प्याज है, इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे, और सरसों तेल यूज़ किए हैं। अब गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे। कढ़ाई गरम करने के बाद 4 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और तेल जब गरम हो जाए तो इसमें हम आलू को डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से लगातार फ्राई करेंगे, और आलू फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम सेम को भी फ्राई करेंगे। सेम में भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और इसे भी लगातार हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छा तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका हरा स्मेल चला जाए। उसके बाद हम इसे भी निकाल लेंगे, फ्राई हो गया है सेम। अब कढ़ाई में हम 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और गर्म हो जाए तेल तब इसमें हम 5 फ़ोरन डाल देंगे, 5 फ़ोरन डाल देंगे, और 1 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, हींग डाल देंगे, और प्याज डाल देंगे। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, और लगातार मीडियम फ्लेम पर जब तक ये लाइट ब्राउन हो तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। और ये प्याज नरम हो गया है, ब्राउन हो गया है, तब इसमें हम लहसुन का पेस्ट और सरसों का पेस्ट डालकर इसे भी हम फ्राई करेंगे। हम लहसुन और सरसों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका रॉ स्मेल ना चला जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। और ये तेल छोड़ दिया है, फ्राई हो गया है सरसों और लहसुन। अब इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और काली मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर डालकर इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और सरसों लहसुन तो फ्राई हो गया है, लेकिन सूखे मसाले जल ना जाए इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट के जगह हम टमाटर काट के भी डाल सकते हैं। इस तरह से मसालों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद इसको हम ढककर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद मसाले खूब अच्छी तरह से भून गए हैं, पक गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, ताकि इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हम इसको धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसे मिला लेंगे, उसके बाद हम सब्जी को डाल देंगे, आलू और सेम को डाल देंगे, और सारे मसालों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। पहले भी हम नमक इसमें डाल चुके हैं फ्राई करते समय आलू और सेम में। नमक और मिर्च हम स्वाद के अनुसार लेंगे। अब 1 मिनट के बाद, उसके बाद हम पानी डालेंगे। 1 मिनट के बाद हम आलू सेम को भून कर तब पानी हम डाल देंगे, और इसको लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 5 से 6 मिनट के बाद बहुत अच्छा से पक गया है, आलू और सेम गल गया है, ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो गई है, और कितना अच्छा ये दिख रहा है। मसालेदार आलू सेम की सब्जी बन करके तैयार है। सरसों वाली बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे,
और सर्व करेंगे इसे, रोटी और चावल के साथ हम सर्व करेंगे। तो आलू सेम की सब्जी आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।